आज इस गांव का बड़ा नाम है और गांव भी बहुत बड़ा है, पर मुझे पहली बार आने का यहाँ मौका मिला है तो दो चार रागणियों का मेरा नंबर है। अच्छी अच्छी बातें आपके बीच में रखूंगी और जितना इन्होंने कहा मैं उतनी नहीं हूँ, मेरे को पता है, पर मैं इन्होंने इतनी तारीफ कर दी अब मेरे थोड़ी सी घबराहट होने लगी, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी आपके बीच में एक रागणी आपके बीच में ऐसा कार्यक्रम हो और वहां पे इस देश के क्रांतिकारियों को ना याद किया जाए तो ये भी एक नाइंसाफी होगी। एक रागणी आपके बीच में शहीद भगत सिंह जी की आपके बीच में रखूंगी प्रेमी श्रोताओं। एक रागणी के माध्यम से कवि ने भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि पेश की है और एक रागणी के माध्यम से पूरा उनका जीवन परिचय पेश किया है। बोले भारत माता की, और किस तरीके से क्या लिखा है सुनिएगा जरा। वो तेरी कुर्बानी ने देश जगा दिया, वो तेरी कुर्बानी ने देश जगा दिया, रंग लाया यो काम तेरा, तेरी कुर्बानी ने देश जगा दिया, रंग ले आया यो काम तेरा, हो तेरी कुर्बानी ने देश जगा दिया, रे रंग ले आया यो काम तेरा। शहीदों के मां शहीद आजम, ओ लिखिया भगत सिंह नाम तेरा, ओ लिखिया भगत सिंह नाम तेरा, कुर्बानी ने देश जगा दिया, रंग लाया काम तेरा। शहीदों के मां शहीद आजम, लिखिया भगत सिंह नाम तेरा, लिखिया भगत सिंह नाम तेरा। जगा दिया, रंग ले आया यो काम तेरा, और शहीदों के मां शहीद आजम, लिखा भगत सिंह नाम तेरा। पहली बात मैं बताया कौन माता थी कौन पिता थे, कब जन्म हुआ, क्या लिखा पहली बात में, धन है मां विद्यावती जिन जण्या शेर बब्बर था, जण्या शेर बब्बर था, सब कुण बेके
मरद जेल में इस क्रांतिकारी कर था आजादी के आंदोलन का चारू ओर जिक्र था चारू ओर जिक्र था हे माँ आजादी कतियावे की हे माँ आजादी कतियावे की ये परसम था सुबह शाम तेरा शहीदों के माँ शहीद आजम लिखा भगत सिंह नाम तेरा लिखा भगत सिंह नाम तेरा धीरे भगत सिंह बड़े होने लगे सजनों और धीरे धीरे जुलम देखने लगे अंग्रेजों के मन में एक ठेस पहुंचने लगी और के करना शुरू करा प्राथमिक शिक्षा पढ़ते पढ़ते प्राथमिक शिक्षा पढ़ते पढ़ते क्रांति पुस्तक पढ़ने लगा चारों ओर शोर सा था वो रकाना बीच बढ़ने लगा काना बीच बढ़ने लगा और जलिया वाले बाग का मंजर रजलिया वाले बाग का मंजर छाती बीच कटन लगा अंग्रेजों के जुलम देख के रे जोश गात में चढ़न लाग्या जोश गात में चढ़न लाग्या या नरक गुलामी कुछ ना जीना रे नरक गुलामी कुछ ना जीना रे हो गया चैन हराम तेरा शहीदों के मां शहीद आजम भगत सिंह नाम तेरा लिखा भगत सिंह नाम तेरा भारत माँ के लाल जाग लो समझा के घर ते बाहर करे समझा के घर ते बाहर करे फिर पूरे देश में गुप्त घूम के क्रांति के प्रचार करे अगली लाइन में जो कहने जा रही हूं अगर अच्छी लगे तो सरदार भगत सिंह जी के लिए तालियां जरूर होनी चाहिए के करा फिर असेंबली में और पूरे देश में गुप्त घूम के क्रांति के प्रचार करे असेंबली में फिर असेंबली में असेंबली में बम पाड़ा तने
फिर गोरिल्ला चार करे, फिर गोरिल्ला चार करे। गूंज सुनी गली रे गली में, ओ ओ ओ ओ ओ। लोग गूंज सुनी वा गली गली में, रघुज सुनी वा गली गली में, लज्जा क्या तो सिंह नाम तेरा, लिखा भगत सिंह नाम तेरा। नौजवानों की सभा बना के देश भगत गणे तैयार करे, और भारत माँ के लाल जाग लो समझा के अगर तय बाहर करे, फिर पूरे देश में गुप्त घूम के क्रांति के प्रचार करे, और असेंबली में बम पड़ा तो न फिर गोरे लाचार करे, और गूंज सुनी वा गली गली में, यो जाग्या देश तमाम तेरा, और शहीदों के माँ शहीद आजम लिखा भगत सिंह नाम तेरा। आखिरकार सजनों वो दिन आया, उस उम्र में कुर्बानी दी जहां से जिंदगी की शुरुआत होती है। जब इंसान अपनी 20 साल की उम्र पार करता है, उसके बाद वो सोचता है कि जीवन में क्या करना है, तब तक वो माँ बाप के सारे होया करे। जहां शुरुआत तोड़ी थी वहां हंसते हंसते देश के लिए जान दे दी, और इस उस समय इस देश में ऐसी ताकतें भी मौजूद थी, ऐसी ताकतें मौजूद थी जो चाहती तो उस फांसी को रुकवा सकती थी, लेकिन उनको ये पता था कि ये काल के बालक जब बच के फिर देश में तुम नमू जनाड़ा कोई नहीं। अरे क्यों आखिरी बात में क्या लिखा, जब खड़े 23 मार्च 23 मार्च तीनों वीर लाके नारे चाल पड़े, लाके नारे चाल पड़े, और रंग दे बसंती गाना सुन के, रंग दे बसंती गाना सुन के सबके हो हंस के फंदा, हंस के फंदा, लोगो हंस के फंदा चूम झूल गे, धरती अंबर आन बिड़े, धरती अंबर आन बिड़े। सुखबीर सिंह ना हट रे नाम तेरा।